गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक और जो हेयर कलर है उसका रिव्यू करूँ, बिकॉज अगर आपने एक बार अपने बाल कलर कर लेना है तो ट्रस्ट मी 15-15 दिन के अंदर आपको हेयर कलर करना पड़ेगा। अगर आप बाहर जाते हैं और बाहर वर्किंग है तो आपको पक्का करना पड़ेगा। अगर आप घर पर हैं तो अगर आप इस तरीके के ओपन अप हो चुके हैं कि आप व्हाइट बाल दिखा सकते तो दिखा पाएंगे, तो तब भी मुझे एक महीने के अंदर करना पड़ता है। मैं अपने बाल दिखाऊंगी जो कि मान लीजिए 20 डेज या मान लीजिए एक महीना हुआ, उसके अंदर कितनी जल्दी बाल वाइट हुए। सो आज जो यूज़ होगा और ट्राई होगा वो है इंडिका का इजी शैम्पू हेयर कलर। लॉन्ग लास्टिंग है, नो अमोनिया है, 100% ग्रे कवरेज है, डू इट ईजिली। इसमें आंवला, हिना, हिबिस्कस, फेनुग्रीक एंड भृंगराज एक्सट्रैक्ट, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो जो मैंने कलर चूज़ किया वो क्या है, डार्क ब्राउन 3। 10 मिनट्स के एक्शन के अंदर अंदर ये हो जाता है। सो उसकी प्राइस भी मैंने ना एक बंडल उठा लिया था। एक्चुअली मैं गई थी, आई थिंक मोर स्टोर है जो ग्रेटर नोएडा में सीपी में है, सीपी मॉल का नाम है, और वहाँ पे तो वहाँ से मैंने 5-6 उठा लिए थे। तो ये 40 रुपीज़ का मुझे पड़ा था और इसे वैसे यूज़ होता है जैसे कि नॉर्मली शैम्पू वाले यूज़ होते हैं। सो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है, ये हेयर कलर के साथ साथ आपको क्या क्या मिला है देख सकते हैं आपको। शुक्र है कि इन लोगों ने ये ग्लव्स दिया है, तो बहुत सारी कंपनियां तो कुछ भी नहीं देती है यार, कुछ भी नहीं। सो ये रहा और ये रहा ग्लव्स। अब मैं दिखाती हूँ अपने बालों की कंडीशन कितनी गंदी हो गई है। अब देख सकते हो मेरे बाल, ये देख सकते हो वाइट, ये रहे यहाँ से हो गए हैं वाइट, ये रहा। तो एक्चुअली मैं अभी भी ना नहीं करती, अब देख सकते हो यहाँ से छोटे छोटे बाल वाइट हो गए हैं, और जो मेरे सबसे ज़्यादा वाइट होते हैं वो यहाँ के बाल होते हैं। तो आप देख सकते हैं एस ये रहा। तो मैंने ना इससे पहले बरगंडी कलर किया था, तो अब इसकी रेडनेस थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, ये रहा। सो एक्चुअली अभी ना मेरे को कहीं जाना है, इस वजह से मैं कलर करवा रहा हूँ, इसमें करती भी नहीं। सो ये रहा कुछ इस तरीके का बिफोर ऐसा है, ये रहा, ये रहा। अच्छे से दिखा देती हूँ। और मेरे बाल ना बिल्कुल भी वॉश नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि आपको हेयर कलर करने से पहले आपको बाल को वॉश करना चाहिए, तो मेरे बाल आई थिंक मैंने आज ट्यूसडे है तो मैंने ना संडे को अपने बाल को वॉश किया था। तो आप समझ सकते हैं ऑयलीनेस हल्की है, बहुत नहीं है। तो मैं इस पर ही कलर लगा के दिखाती हूँ कैसा लगता है। ये रहा, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, और मैंने प्लास्टिक का बाउल है उसको ही यूज़ किया क्योंकि ख़राब होना होगा। तो ये इसको इग्नोर करिएगा, ये मेरी बेबी ने कलर मिला रखा था, उसको मैंने वॉश नहीं किया। इस बार मैं डिश वॉशर में डालती हूँ उसको वॉश कर। तो ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ईजी टू वॉश होता है डिश वॉशर में, और आप देख सकते हैं कलर की क्वांटिटी बहुत कम है। तो अगर आप सिर्फ रूट के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप फुल हेयर के लिए कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये वाला पाउच कम से कम, नहीं तो जिनके लॉन्ग हेयर्स है, तो मेरे खुद के लॉन्ग हेयर्स है लेकिन मैं सिर्फ रूट को ही टचअप करती हूँ, पूरे हेयर्स में नहीं लगाती। अगर मैं जिस दिन पूरे हेयर्स पर लगाने पाए तो कम से कम मुझे ऐसा वाला पाउच कम से कम 4 लगेगा। तो मैं भी एक ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे रूट टचअप करना होता है। ये रहा, फटाफट लगाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। अब देख सकते हैं मेरे हाथ में ना थोड़ी देर के लिए मैंने हल्का सा टच कर लिया था ना, ये देख सकते हैं क्या हालत हुई है हाथ की। सो ये रहा, मैं इसे 10 मिनट ही रखूँगी, कोशिश करूँगी 10 मिनट रख के फटाफट वॉश करने की। तो लगाते हैं फिर दिखाते हैं। ये रहे विदाउट हेयर कलर, ये रहा ऐसे ही कुछ, और ये यहाँ की कुछ आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो फटाफट लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कलर लगा लिया है और काफ़ी डार्क हो गया है। सो आई थिंक मेरे को 15 मिनट से ज़्यादा मैंने रखा है, बिकॉज अब तक गीला ही है। आप चाहे तो 20 मिनट में धो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 30 मिनट तक रखा है। मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए। कि आप देख सकते हैं कलर कुछ इस तरीके का आया है मेरे बालों में, और काफ़ी बढ़िया कलर आया यार। लेकिन एक बात बताऊँ, ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन ना आपको ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का फिनिश देगा। तो देख सकते हैं बढ़िया कलर आ गया है। सो अगर आपको मनी डेफिनेट आप ले सकते हैं, कलर ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप डार्केस्ट शेड लेंगे तो सबके डार्केस्ट शेड अच्छे, अभी कितने दिन तक रहता नहीं रहता यार उसका तो पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने और बहुत से लोगों को ये भी क्वेरी थी, कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि आप जब हेयर वॉश करते हो तो क्या इस टाइम आप शैम्पू करते हो या क्या। तो मेरा कभी मन करता है मैं शैम्पू कर लेती हूँ। सो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ कंडीशनर किया है, नो शैम्पू। सो दिस हर माई हेयर्स लुक लाइक, एंड यू डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और अभी हल्का ड्राई किया है मैंने। सो इट्स हाउ लुक लाइक। थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय।